श्री राजू मिश्रा जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे रूल 377 पे बोलने का मौका दिया। आज भारत में दार्जिलिंग ऐसा क्षेत्र है जहां लोकतंत्र टीएमसी के कारण बिल्कुल नहीं है। यहां शासन चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं करते, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स या टीएमसी से चुने हुए सिलेक्टेड नॉमिनी जो है दार्जिलिंग में शासन करते हैं। इतना ही नहीं, आपको जान के बड़ा दुख होगा, 2001 से लेकर अभी तक कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए। जीटीए 2017 से सेलेक्टेड नॉमिनी द्वारा चलाया जा रहा है बगैर चुनाव के। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डुवर्स का क्षेत्र रिवेन्यू टैक्स में बहुत बड़ा हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में ना तो विकास है और विकास से उपेक्षित है, वंचित है, यहाँ तक कि पिछड़ा है। इन्हीं सब कारणों से बार बार आए दिन अलग राज्य गोरखालैंड की मांग उठती रहती है। और अलग राज्य की मांग केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं की पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस क्षेत्र की लोगों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए स्थायी राजनीतिक समाधान देने का वादा किया है। अतः मैं भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग करता हूँ कि जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।